और हमारे रसिया सम्राट महेंद्र शर्मा जी की जगह पर आज जो मुकेश भैया बैठे हैं, आप सभी के चरणों में अपना सर रख करके सभी को पहले बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। दोस्तों, ये रसियों का मुकाबला आप लोगों के बीच में आरंभ हो चुका है। मौजूदा दो अखाड़े हैं, सामने जो विराजमान अखाड़ा है, रसियाबाजी में अखाड़े बहुत हैं, लेकिन इस अखाड़े को रसियों का सम्राट बोलते हैं। इनके सामने हम कुछ भी नहीं है, मान के चलो ये पूरे 100% और हम केवल 9। ये रसियाबाजी के सम्राट है खिच्चो आटे वाले विजेंद्र शर्मा जी के पुत्र आदरणीय मनोज भैया। भैया सीटी आ रही भाई, हल्की सी। और हमारा बहुत छोटा मोटा अखाड़ा, आप लोगों के चरणों की धूल, नाथ गोपाल अखाड़ा मुरसान, केवल आपको यह देखना है इधर से हम क्या गा रहे हैं और ये रसिया सम्राट हमारा क्या जवाब देंगे और वो क्या गाएंगे उसका हम क्या जवाब देंगे। ये रात भर हमारी इनकी केवल कलम की लड़ाई चलेगी। चांटी देख लेगा जैसा कि आदेश हुआ, बस्ती में कार्यक्रम हो रहा है तो जो रसिया गाने वाली पार्टियां होती है वो खुद से दिमाग लगाती हैं कि किस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है और हमें किस तरीके से यहां पर कार्यक्रम करना चाहिए कि सुबह जनता याद करती हुई अपने घर जाए कि वास्तव में रसियाबाजी हुई थी। देखेंगे आज की शुरुआत, कोई व्यक्तिगत बात या अश्लील बात मेरी तरफ से नहीं होगी। रही बात आनंद की, तो इतना आनंद जनता को जरूर आएगा कि जनता अपनी जगह पे कूल उल के तालियां बजाएगी तो रसियाबाजी है, नहीं तो कोई रसियाबाजी नहीं है। देखेंगे मेरी तरफ से नंबर की बात है। और टाइम अपना नोट की लीजिए, यहां से मेरी गाने बजाने की शुरुआत हो रही है। और मनोज भैया कॉपी उठाओ, पेंसिल उठाओ, आपका ये मुकाबला भोपाल से है और हम आपके चरणों की धूल हैं, लेकिन लड़ाई तो आज आप पार की होगी। तो हम यहां से मेरे छंद की शुरुआत हो रही है और ये चिकड़ी छंद आप लोगों के सामने हम अपनी तरफ से रख रहे हैं। हां साहब, के देखे रणभूमि में तू न आए गए और ये देखे रणभूमि में और ये आए गए और तू करता समझना कि मैं आपसे कह रहा हूं आप सम्राट के बेटा हो तो आपके तो मैंने पहले हाथ जोड़ लिए, लेकिन अब यह छंद की शुरुआत हो रही है तो यहीं से जनता की तालियों की शुरुआत हो रही है। और सुनते जाना कि देख मेरे आगे तू कर रहे हो पाप और मौत है तू जो लड़े सके तेरी इतनी नाए ओ चल रही है तेरी इतनी ना औकात और औकात क्यों नहीं है कि जिस जमीन पे तूने और जन्म लिया था आज कि जिस जमीन पे तूने ये जिस जमीन पे तूने और ये जन्म लिया था अरे वो जमीन तुम्हारी कहां गई जिस जमी पे तूने और वो जन्म लिया था और वो जमी तुम्हारी कहां गई और वो जमी
उस्ताद, अरे वो जमी तुम्हारी कहां गई, जब प्यारी रूप मिले भाज गई गोपाल के संग में, तब मर्दमी तुम्हारी
एक बार जो रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे, मेहंदी लगाऊं किस नाम की, ओ मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा को बनी। चल रहा है मेरा आराम करा जी, और ये एक टुकड़ा आपको सम्राट रहो हम बच्चे हैं, और यहाँ पर एक सिर्फ कौन मौजूद है, एक सिर्फ कौन यहाँ पर मौजूद है, ना मैं कोई गुरु गाने वाला हूं ना निकले वाला हूं, केवल नाम के साथ भी, मेरे तो नाम के साथ भी जुड़ गया है जनाना। पहले नाथ गोपाल था, लेकिन रसियाबाजी ने छोड़ दिया गोपाल जनाना, जो प्रभु ने दे दिया वो मंजूर है। जो उजड़ गया था पहले कभी वो गुलशन फिर से खिल जाए, जो उजड़ गया था पहले कभी और वो गुलशन फिर से खिल जाए, जो उजड़ गया था पहले कभी वो गुलशन फिर से खिल जाए, और मुझे जीत हार की चिंता ना बस प्यार आपका। ये एक दिना की बात सखी में तो भूरन कृष्ण मुरार गई, एक दिना की बात सखी में तो भूरन कृष्ण मुरार गई, एक दिना अरे एक दिना की बात सखी में तो, अरे मैं तो भूरन कृष्ण मुरार गई, एक बिना की बात सखी में तो ढूंढन कृष्ण मुरार गई। गाना बजाना ऐसा हो कि हम बोले बाद में और जनता पहले बोल जाए, गाना बजाना ऐसा हो मैं तो ढूंढन कृष्ण मुरार गई, अरे कानन बाली होटन लाली में तो कर सोले, कानन बाली होटन लाली में होटल लाली में तो कर सोरे सिंगार गई, गोकुल ढूंढे मथुरा ढूंढे जवाब सुनो, मेरे खुली गए
मेरे कहां गए शर्म के पर्दे, खुल गए कानों के पर्दे, कहां गए शर्म के पर्दे। मनोज भैया गौर करना, मवेशी ये पांच बातें आ रही है मेरे इस गीत में, पांच बातें और शब्द एक ही है पर्दे, पर दे कानों के पर्दे और शर्म के पर्दे और एक ये जो हारमोनियम बज रहा है हमारे साथ के पाजे में होते जो पर्दे, तू गौर जरा इस पर्दे और उड़ कर जाऊं पास मोहन के मुझको ऐसे पर्दे, ये उड़ कर जाऊं पास मोहन के मुझको ऐसे पर्दे। जो लोग पीछे तक बैठे समझ में आ रही है बात, कैसे नहीं हाथ उड़ा बना रही है, नहीं आ रही है? धन्यवाद। क्योंकि ऐसा ना हो जाए हम गाते रह जाए और रात को मिल जाए पानी में। मेरे खुल गए कानों के पर्दे, ये पहला पर्दा। मेरे कहां गए शर्म के पर्दे, जो पाजे में होते पर्दे, गौर जरा इस पर्दे, उड़ कर जाऊं पास मोहन के मुझको ऐसे पर्दे। गोकुल मथुरा, अरे गोकुल मथुरा और नंदगाम की, और राधा तो बनी है बस तुम्हारी कहां गई। अरे मुंह आगे और पढ़ के लड़ना है पाए, और मुंह समी तुम्हारी नहीं दिया मैंने आपसे, देखते हैं उधर से क्या जवाब दोगे और किस तरह से दोगे। और एक ये रसिया, गुरु ने कह दिया कि बहर नहीं होगी रसिया होगा, तो ये रसिया मेरी तरफ से दब रहा है। फिर हम तो नए बच्चे हैं, इतनी जानकारी भी नहीं है रसिया के बारे में, तुम तो सम्राट हो भाई, तो कोशिश है मेरी तरफ से। हाँ जी दोहा सकुनी ने छल कर
पी के तू शासन गयो बीच सभा में अरे शर्म ना इनकी आंखें में और ये देखे आंखें में अरे आंखें मेरे अरे आंखें में सभा में और जे दुखियारी रे और कोई हाय हाय टकराए और धनधारी जे अर्जुन बने जाने गर्दन लइए एक अमला को खींच रहे चीर और अगला काफिया क्या है अर्जुन के लिए अरे डर डर लई और झुकाए अर्जुन ने जाके कहां गए धनुष और आज रोए रोए कराते अरे भरी सभा में और सब बैठे हैं पर कोई ना आज बचाए और अगर ना आवे सामरे तो बहना की इज्जत लुटे लाज बचा ले अपनी बहन की
ये है पुरानी नसियाबाजी की बात। हम तो केवल कोशिश कर रहे हैं कैसी, और हमें उम्मीद है कि हमसे अच्छा से आप भी गा सकते हो, तो आप लोगों से तो हमने गाना सीखा है। के देखे आज बचाए और लाज बहन की, और जाके नैनन पास समय का अभाव होता है, पहले समय ज्यादा होता था और अब रसिया लाजी में 45 मिनट का समय होता है। तो ये रसिया तीन चौक का गा रहा हूं मैं आपके सामने, कि तुम मेरे रसिया दे देखो भैया, अगर रसिया ना लड़ो तो या तो गोपाल कहते हैं तुम मेरो रसिया दे नहीं तुम कुछ लहंगा दिए लहंगा दिए पहना तुम लहंगा दिए पहना। और रसिया, और रसिया भी ऐसा हो, अरे जो रसिया आर पार है फिरोजाबाद में, अरे फिरोजाबाद में, और जे रसिया है रे और मैं तो ठोक रहा हूं ताल, और भरी मंच पे तेरे आगे, और जे रसिया गावे गो और गोपाल और मनोज के रसिया हो रसिया अब नए रस को हाजी छंद हुआ एक टुकड़ा हुआ, और ये जो अभी गाया है इसे कहते हैं रसिया, रसिया हुआ। अब एक गीत मेरी तरफ से जिसमें जनता का मनोरंजन भी होगा, आनंद भी होगा, और सामने वाले देखते हैं उसका जवाब क्या देंगे। और 11 तारीख की रात को यह दंगल हो रहा है, तो शिवरात्रि थी और ये क्या है रात्रि, तो ये शिवजी का पूरे नंबर पे मैंने कुछ नहीं गाया, तो ये गीत शंकर जी का मेरी तरफ से घबरा है। और अगर बात आपकी समझ में आती रहे तो बस आनंद आप लोग लेते रहे और हमें वो प्यार देते रहे जिसके लिए हम वंचित हैं। लगा मासा एक बहुत पुरानी धुन, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरी है हजार हाथ वाला। दुनिया वालों का, अरे मैं कहता डंके की चोट से हो, मैं कहता डंके की चोट से ध्यान से सुनियो लाला, अरे मैं कहता डंके की चोट पे, और ध्यान से सुनियो लाला अपना, अरे अपना वो हरी है हजार हाथ वाला, वो भी आजा सब बात आराम दे। दीन बंद है करुणा निध, तू तो सब जग का रखवाला है, हे दीन बंद हे करुणानिध, तू तो सब जग का रखवाला है, अरे नीलकंठ तुझे कहते हैं,
और तेरे गले में पिसिया रे, ऐसे ना पीछे का पार जानी चाहिए और आवाज आनी चाहिए। देख, अरे नीलकंठ तुझे कहते हैं क्यों पिसिया, अरे नीलकंठ तुझे कहते हैं कि तेरे गले में पिसिया रे, अरे हाथ में लग रहा है डमरू और पहने हुए मृग छाल आए, अरे पहने हुए मृग छाल आए और दुनिया तुझको जान रही मेरा भोला डमरू। अब मेरा भी काम डमरू बजाने का रहा था, तो रसिया वालों के लिए सबसे बड़ी संकट की साल आई 20, जिसमें केवल 6 दंगल हुए, सबके बाकी बंद हो गए। रसिया बंद भाई मुकेश जी, रसिया बंद भाई और बड़े बड़े चावरण बंद भाई, भागवत बंद भाई, पर गोपाल का डमरू तो लोग डाल बिना मार के बने भैया। अब बात आई, अरे देवों के, अरे देवों के महादेव बन गए, देव बन गए, वो देवों के भी देव हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं, महादेव। लेकिन मेरा तुमसे पूछना क्या है, तुमसे पूछना क्या है, तुम सम्राट हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे संतुष्ट करोगे, बताओगे जो मैं पूछ रहा हूं, और आपकी समझ में आया तो पीछे तक तालियां चाहूंगा। देख, अरे देवों के महादेव बन गए, महादेव का नाम पड़ा है पर उसका शंभू क्यों नाम पड़ा है, बड़े उनका ही नाम बढ़ाए पर उनका शंभू क्यों नाम, भोले बाबा का क्यों शंभू नाम पड़ा है। अरे सबको सब कुछ देने वाले, सबको सब कुछ देने वाले, इसीलिए वो भंडारी, इसीलिए भंडारी। और तीन नेत्र हैं उस भोला के, और ये ही है पुत्र पुरारी, ये ही है पुत्र पुरारी। अरे तीन नेत्र हैं उस शंभू के, ये ही है त्रपुरारी, डमरू नदिया पास खड़ा है, ओ गले में नाग त्रिशूल पे डमरू नदिया पास खड़ा है, और बताना उनका शंभू क्यों नाम पड़ा है। अपनी पत्नी को भोले ने अपने ही अंग समाया, हो अपने ही अंग समाया। अरे गंगा धरती चीर न जाए, जब ब्रह्मा के कमंडल से आने वाली थी धरती पे, तो गंगा ने कहा कि मैं धरती को चीर के रसातल में चली जाऊंगी, तो अरे गंगा धरती चीर न जाए उसको सर पे बिठाया, उसको सर पे बिठाया। अरे गले से कभी ना नाग उतरता अपनी जिद पे अड़ाए, गले से कभी ना नाग उतरता, और गले से कभी ना नाग उतरता
अपनी जिद पे अड़ा है, फिर उनका शंभू क्यों नाम पाए। और भोले नाम क्यों है? अरे बिन सोचे वरदान ये देते, इसीलिए भोला भाला हो। जब ही है वो भोला भाला। उसे नाथ क्यों कहते? क्योंकि 100 इंद्रियां बस में कर लई, वो पी गए विष का प्याला हो। पी गए वो विष का प्याला। अरे विषधारी विषधारी विष पी के बैठे और विषधर अंग चढ़ा है। विषधारी विष पी कर बैठे, विषधर अंग चढ़ा है। और ये केवल एक मिनट मेरी बाकी है, फोन बजने में सिर्फ एक मिनट। और एक मिनट पहले मैं अपने नंबर को बंद करके जाऊंगा नीचे। उसी प्रकार से आप भी नियमों का पालन करना, अपने नंबर को करना। और भैया पूरा नंबर मैंने गाया, कोई गाली की दोस्तों नहीं गाई भैया? उम्मीद है कि ऐसा ही उधर से भी हो तो कार्यक्रम में आनंद भी आए। अब अंत मेरा ये इस गीत का बंद है। अरे शिवलिंग शिवलिंग पुजवाई शिव जी ने, शिव पे चल चढ़ जाए। शिव पे चल चढ़ जाए। देवता तब होते हैं, केवल एक भोलेनाथ ही ऐसे देवता है कि जिस जगह पे रख दो उनको, उनका कोई नाम पड़ जाए। राजपुर में रख दे तो नाम रख दे राजेश्वर, भोले जी का गड्ढा में रख दे तो गड्ढेश्वर, तो जहां रखोगे वही नाम पड़ जाता है उनका। के जिस जगह पे रख दो उनका, के वो ही नाम पड़ जाए। ओ वो ही नाम पड़ जाए। अरे सुबह तक नामी याद आ जाएगी, ये सुबह तक नामी याद आ जाएगी, सुबह तक नामी को याद आ जाएगी। याद रखियो ना, याद आ गई तो आ जाएगी। अरे सुबह तक नानी याद आ जाएगी, गोपाल से आके लड़ाए और देवों ने महादेव पड़े और उनका ही नाम पड़े।